चलो स्टार्ट करते हैं पहला गेम GTA 5। नॉटी गाइस, ऐसा लगता है जैसे कि आप पूरे मूवी में घुस चुके हो और आप एक कैरेक्टर हो, लेकिन आपका भाई किसी से कम नहीं है। ऑलराइट गाइस, आप लोगों को मैंने 2 PC बिल करके दिखाया था और आप लोगों ने इस वीडियो पे थोड़ा ज्यादा ही प्यार दिखा दिया। फिर मैं सोच रहा था कुछ और भी ट्राई करते हैं जो आप लोगों को काफी पसंद है, तो मैं अपना लैपटॉप लिया एंड चला गया गूगल पे एंड सर्च किया बेस्ट PS। तो गाइस यहाँ PS5 का जो दाम था ये 50,000 से ऊपर था, ये तो अपने बजट से बाहर है गाइस। तो थोड़ा सा मैं सोचा सस्ता वाला ट्राई करते हैं। तो सस्ता में 2 ऑप्शन है, या तो मैं पुराने मार्केट से जाकर बाई कर लूँ या ऑनलाइन ही ओल्ड PS बाई कर लूँ। तो देखो यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट दिख रहे थे लेकिन किसी पे ट्रस्ट नहीं हो रहा था, लेकिन एक वेबसाइट मुझे यहाँ पे दिखा जिसका रिव्यू भी अच्छा था, गेम लूट। तो गाइस यहाँ पे सोनी प्लेस्टेशन 4 प्रो 1 TB स्टोरेज वाला का प्राइस 24,999 था। मेरा तो दिल खुश हो गया गाइस। तो गाइस मैंने इसे ही मंगवा लिया, गाइस मैंने इसे कुछ दिन पहले ही मंगवा लिया था, तो आज इसका डिलीवरी डेट है। गाइस काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस डब्बा कट करने के लिए एंड यहाँ मेरा चाकू रेडी है। ये रखा है हमारा PS4 Pro। चलो इसमें से निकालते हैं। सबसे पहले ये कंट्रोलर यहाँ पर रखा गया है। वाओ ब्यूटीफुल। इसके बाद यहाँ पे काफी सारे केबल हैं, सब मैं आपको बताऊंगा। अपना मेन डिवाइस निकाल लेते हैं। वाओ गाइस कंडीशन तो मुझे काफी अच्छा लग रहा है अभी तक एंड और कुछ है क्या? नहीं। तो फाइनली गाइस PS Pro इन द स्टूडियो, इसे पटक नहीं सकते, टूट जाएगा, आराम से रख देते हैं। तो चलो सबसे पहले इसका कंडीशन देख लेते हैं क्योंकि ये पुराना PS 4 Pro है तो कंडीशन देखना बहुत ही जरूरी है। तो गाइस सबसे पहले टॉप एरिया हम देखें तो यहाँ पे कोई भी स्क्रैच डेंट वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेगा, माइनर सा हेयर लाइक स्क्रैच आपको देखने को मिलेगा, वो भी बहुत करीब लाकर देखोगे तब। ऐसे भी ये प्लास्टिक है तो क्या ही स्क्रैच लेकर करोगे, थोड़ा बहुत तो लग जाते हैं ऐसे भी। इसका लोगो के ऊपर थोड़ा सा स्क्रैच है जिसे आप इग्नोर कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। इसका बैक एरिया देखोगे तो यहाँ पूरा मस्त चमकता धमकता आपको दिखेगा। इसके बाद आप चारों तरफ देखोगे तो मस्त नया जैसा दिखता है, कोई भी डेंट वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो कंडीशन तो काफी अच्छा है इसका। इसके बाद हम कंट्रोलर का देखें तो गाइस यहाँ पे कंट्रोलर आप देख सकते हो हल्का सा पुराना लगता है, ऑफ कोर्स यूज हुआ है तो थोड़ा बहुत तो पुराना हो ही जाता है। ऐसे मेजर कोई भी इशू नहीं है, कोई डेंट वगैरह नहीं लगा है, सारा बटन पोर्ट्स वगैरह वर्किंग है, कोई दिक्कत नहीं है। गाइस थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ पोर्ट्स एंड बटन के बारे में, ऐसे आपको आइडिया होगा ही नहीं है तो ले लो दोबारा से, और आपको आइडिया है तो स्किप कर सकते हो ये वाला पार्ट। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले पावर कोड वगैरह लगाने के लिए एयर वेंट है, इसके बाद HDMI आउट है, इसके बाद एक ऑक्स पोर्ट है एंड यहाँ पे लैन के लिए दिया गया है, यहाँ पे आप स्टोरेज के लिए भी लगा सकते हो। इसके बाद फ्रंट एरिया देखोगे तो सोनी का ब्रांडिंग किया गया है, PS4 यहाँ पे लिखा गया है। 2 और यहाँ पे आपको USB Type-A पोर्ट देखने मिल जाता है, यहाँ से आप डिस्क को निकाल सकते हो, और एक यहाँ पावर ऑन ऑफ के लिए बटन दिया गया है। अब गाइस थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन दूँ तो PS 4 Pro में आप 4K HDR में गेम खेल सकते हो, जो अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है गाइस। अगर यही सेम आप ग्राफिक सेटिंग पर गेम खेलना चाहो तो आपको 1,00,000 से ऊपर का PC बिल्ड करना पड़ेगा, फिर जाकर आप उस लेवल का गेम खेल पाओगे, वो भी थोड़ा सा कमी चांस है। ओके अब चलो गाइस बातें बहुत हो गई, अब रियल गेम टेस्टिंग करते हैं। ऐसे मैंने गाइस एक चीज़ आपको दिखाया नहीं, मैंने 3 डिस्क भी मंगवाया है, एक है यहाँ पे गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक, इसके बाद एक हमने मंगवाया है स्पाइडरमैन, और एक है गाइस हमारा सबका चहेता GTA 5। तो चलो इस तीनों गेम को खेलते हैं, यहाँ पे कितना मजा आता है, आपको भी काफी मजा आएगा और हमें भी काफी अच्छा लगेगा। चलो चलो नहीं मैं नहीं आऊंगा। तो गाइस सबसे पहले जो गेम खेलने वाले ये GTA 5 है एंड यहाँ पे आप हमारा सेटअप देख सकते हो गेमिंग का। वाओ व्हाट अ सेटअप, यहाँ पे हमारा PS 4 Pro रखा हुआ है, इधर 3 डिस्क है, ये हमारा मॉनिटर रहा, ये मेरे हाथ में कंट्रोलर, और दोनों तरफ लाइट लगे हैं ताकि मेरा चेहरा सुंदर सुंदर आपको दिखे, हैंडसम टाइप। चलो स्टार्ट करते हैं पहला गेम GTA 5। ओहो नॉटी। गाइस स्टार्ट हो गया हमारा गेम एंड देखो स्टार्ट क्या चीज से हुआ है एक बार। ओहो नूब है ये तो, तुम्हारे बस की नहीं है, चलो निकलो यहाँ से, इसको चढ़ गया है गाइस देख सकते हो। अब गाइस आपको पता होगा PS 4 के कंट्रोलर में आपको हैप्टिक भी फील होता है एंड यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा हैप्टिक फील होगा। हाँ ऑफकोर्स PS 5 जैसा तो नहीं है लेकिन आप जैसे ही कुछ इधर उधर करोगे तो आपको यहाँ पे काफ़ी तगड़ा वाला वाइब्रेशन फील होगा, और इसमें भी परफेक्ट रूप से काम कर रहा है, तो यानी इसका कंट्रोलर भी अच्छे तरीके से काम कर रहा है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है इस कंट्रोलर में।
मस्त मैं अपने कार को यहाँ पे खूनी कार बना दिया हूँ। सभी तरफ देख सकते हो कार के ऊपर नीचे साइड में सभी जगह ब्लड लगा हुआ है। ये खूनी कार है, इससे बच के रहना, नहीं तो मैं अभी यस ये मजा आपको सिर्फ GTA 5 में मिल सकता है बर्न आउट का। गाइस GTA 5 खेलकर तो बहुत ही मजा आया और कंट्रोलर भी अच्छे तरीके से काम कर रहा था। तो गाइस अब यहाँ पे खेलते हैं हम स्पाइडरमैन। तो चलो डिस्क लगाते हैं। वाओ गाइस ऐसा लगता है जैसे कि आप पूरे मूवी में घुस चुके हो और आप एक कैरेक्टर हो, एक्चुअल में आप वहाँ पे स्टंट कर रहे हो, ऐसा आपको फील होगा जब आप इस तरह की गेम खेलोगे तो। एंड चलो स्टार्ट करते हैं। ये आ गया हमारा स्पाइडरमैन। अब गाइस इससे ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस लेना है तो आप इसमें VR भी लगा कर गेम खेल सकते हो, ये VR सपोर्टेड है। एंड फिर उसमें तो आपको और भी ज़्यादा मजे आएंगे। यहाँ पे देख सकते हो HDR ऑन हो गया एंड सारा चीज़ 1080p। गाइस देख सकते हो क्वालिटी यहाँ पे कितना तगड़ा क्वालिटी है गाइस, एंड लिटरली काफ़ी मज़ा आ रहा है गेम खेलकर। गाइस देख सकते हो स्पाइडरमैन कैसे जंप कर कर के यहाँ पे मार रहा है। एंड गाइस यहाँ पे जितना भी एक्शन आप देख रहे हो डिस्प्ले पे, ये सारा मुझे यहाँ पे कंट्रोलर में भी फील हो रहा है। एंड ये आपके बताने के चक्कर में मैं तो गया नहीं, मैं ही बचा हूँ। तो गाइस सेकेंड गेम हमने खेल लिया है स्पाइडरमैन, अब थर्ड गेम खेलने वाले हैं गॉड ऑफ वॉर। चलो लगाते हैं। चित्रा चित्रा उड़ा दिया गाइस मार मार के, अभी बहुत आने वाले हैं बहुत, लेकिन आपका भाई किसी से कम नहीं के। गाइस गॉड ऑफ वॉर खेलकर तो सच में मजा ही आ गया, मस्त गेम प्ले हुआ है यहाँ पे। एंड गाइस लिटरली काफी अच्छा लगा ये गेम खेलकर, एंड अभी और आने वाला है तो चलो मैं खेलता हूँ आप आगे बढ़ो। तो फाइनली गाइस बात करें एक्सपीरियंस का, तो लिटरली बताऊं तो मुझे किसी भी एंगल से ये पुराना PS4 Pro तो नहीं लगा है। जो भी गेम मैं खेल रहा था काफी मक्खन जैसा प्ले हो रहा था, कोई भी लैग वगैरह देखने को नहीं मिला, इवन ना कोई कंट्रोलर में कोई प्रॉब्लम है, तो काफी अच्छा यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस रहा है। आपको गाइस सिर्फ कंसोल ही नहीं बहुत सारी चीज देखने को मिल जाएंगे। अगर आप डिस्क वगैरह भी लेना चाहते हो PS के लिए तो आप ले सकते हो, इवन आप यहाँ पे देख सकते हो PS4 Pro भी काफी अच्छा है, आपके ऊपर है आप जो भी बाय करना कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा वहां से। आई होप गाइस आपको वीडियो देखकर काफी अच्छा लगा होगा, मेरा भी एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा ये वीडियो बनाकर। एंड मैं आपसे मिलता हूं फिर से एक मस्त धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।